नए कृषि कानून को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन जारी। कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। 8 जनवरी को केंद्र और अन्नदाता संगठनों के बीच हुई थी वार्ता। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। कहा, गठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ आंतरिक साजिश। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को बताया बिहार का भविष्य। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ी। सौरभ गांगुली हो सकते हैं बीजेपी के सीएम कैंडिडेट। बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले, अभी ऑफर नहीं पर उनकी मर्जी का करेंगे स्वागत। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। सीता माता पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। कल्याण बनर्जी पर सीता को हाथरस मामले से जोड़ते हुए टिप्पणी करने का आरोप। महामारी काल के कारण 26 जनवरी को देखेंगे बड़े बदलाव। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। परिचय पत्र दिखाने के बाद ही मिलेगा पास। सुपरस्टार रजनीकांत ने फैंस से की अपील, राजनीति ज्वाइन करने के लिए दबाव डालकर तकलीफ न पहुंचाएं। हाल ही में रजनीकांत के फैंस ने इवेंट ऑर्गेनाइज करके की थी अपील कि वे अपना फैसला वापस लें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। शायराना अंदाज में दी तीखी प्रतिक्रिया। घर की आग का मंजर क्यों नहीं दिखता उन्हें। राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का दिया आदेश। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में होने हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में महामारी वैक्सीन का आखिरी ड्राई रन। राज सीएम योगी करेंगे निगरानी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे सीएम। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का कहर। अब तक 9 राज्यों में फैला संक्रमण। बर्ड फ्लू को लेकर संसदीय कमेटी की बैठक आज। महाभियोग के चक्रव्यूह में फिर फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप के खिलाफ आरोपों का मसौदा तैयार। कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने में भूमिका के लिए डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए देंगे वोट। पद पर रहते हुए दूसरी बार इसका सामना करने वाले पहले यूएस प्रेसिडेंट हैं ट्रंप। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग। कहा, जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जे की बहाली तक भारत के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना नहीं। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) खत्म करने से बेचैन है पाकिस्तान। होली के बिगड़े बोल, भारतीय क्षेत्रों को फिर अपना बताया। कहा, भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच 14 जनवरी को विदेश मंत्री स्तर की होने वाली है बातचीत। कोरोना काल में भी अंतरिक्ष मिशन जारी। चीन के चांग-E4 ने चंद्रमा के मिशन पर शुरू किया काम। दिसंबर 2018 को किया गया था लॉन्च। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के 736 दिन के बराबर अवधि की पूरी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पार्टी के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो में अपनी प्रभावशाली बहन किम यो जोंग को नहीं दी जगह। देश में दूसरे नंबर की नेता की हैसियत से काम कर रही किम यो जोंग को लगा झटका। पीएम किसान योजना के तहत 20 लाख अपात्र लोगों को मिली रकम। आरटीआई के तहत कृषि मंत्रालय ने दी जानकारी। गलत तरीके से लाभ उठाने वालों में सबसे ज्यादा पंजाब में आए ऐसे मामले। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का विरोध। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखा पत्र, बताया देश की सुरक्षा के लिए घातक। पत्नी मीरा से शाहिद कपूर को पड़ी नाट। मीरा ने शाहिद को डांस फिल्म करने के लिए लगाई नाट। एक्टर ने सोशल मीडिया पर मांगी मदद। बिग बॉस से जैस्मिन भसीन के एविक्शन से टूटे अली। रो रो कर हुआ बुरा हाल। अली को आया पैनिक अटैक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बने अश्विन हनुमा विहारी। चौथी पारी में ऋषभ पंत 97, चेतेश्वर पुजारा 77 और रोहित शर्मा ने 52 रनों का दिया योगदान।